पिछले कई दिनों से बात की जाए तो नगीन झील के अंदर हाउस बोट्स में आग लगने के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर आज नगीन क्लब में अपनी तरफ से पहली अग्निशमन सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अगर बात करें तो उद्घाटन के लिए संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पोल मौजूद नजर आए और साथ ही साथ जो है बताया गया कि ये पहल किसी भी अप्रिय घटना खासकर आग लगने की स्थिति में हाउसबोट मालिकों की मदद करने में काफी कारगर साबित होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित अग्निपथ स्कीम के बारे में बातचीत की। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस स्कीम के बाद से ही लगातार नौजवान सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और पूरे भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इन्होंने कहा कि ये वक्त है कि अब केंद्र सरकार को इस स्कीम को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्कीम को तैयार किया गया है ये साफ कर रहा है कि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। उत्तरी कश्मीर के चंदई जिला के लश्कोर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में तेज हवाओं के कारण एक आश्रय स्थल पर पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक गुजर समुदाय के हैं और हर साल गर्मियों के दौरान वे मवेशियों को चराने के लिए ऊपरी इलाके में जाते हैं। कल तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से 26 असम राइफल्स की एक टीम ने परिवार के दोनों सदस्यों को बचाया। टीम ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा किट देते हुए और बाद में उन्हें जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां के लोगों ने जो है भारतीय सेना के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर समय जो है हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से ही कड़ाके की गर्मी सहने को मिल रही थी, इसके बाद से ही अब मौसम ने थोड़ी करवट बदली है। बता दें कि आज दोपहर से ही श्रीनगर शहर में बारिश शुरू हो गई है, तो वहीं जम्मू में भी तेज हवाओं के चलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिससे थोड़ी राहत मिल रही है। एक दिन की हड़ताल के लिए गए जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उजागर करने के लिए आज बीसी रोड पर स्थित कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को बढ़ चढ़कर उठाया। इन कर्मचारियों ने कहा कि स्थायी कर्मचारियों की भी दिक्कतें हैं, मगर प्रशासन इन दिक्कतों को दूर नहीं कर रहा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा के सारबा गांव में पिछले तीन दिनों से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली की तारें टूटकर नीचे गिरी हुई हैं और उसके बाद अगर बात करें तो तीन दिनों से इलाके में बिजली गुल है और अब लोगों को खतरा बना हुआ है कि इससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसी के चलते आज लोगों ने जो है बिजली विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ मांग की है कि जल्द से जल्द जो तारें टूटी पड़ी हैं उन्हें ठीक करवाया जाए और इलाके में बिजली को सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। जम्मू शहर के कस्बा अखनूर में बीती रात को दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद से गुस्साए दुकानदार सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि सुंगल मोड़ के दुकानदारों द्वारा जो है रोड बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही साथ बताया गया कि ये अवैध कब्जों को रोक लिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। आज जम्मू में नवदुर्गा ट्रस्ट द्वारा सरोली माता की छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि ये छड़ी यात्रा जो है जम्मू के पक्काडंगा स्थित चंडी माता के मंदिर से शुरू की गई और उसके बाद यहां पर देखने को मिला कि बड़े संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पर शिरकत की। इस मौके पर अगर बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद नजर आई। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा जो है वो जा रही है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं भी मांगी जाएंगी। आज जम्मू के नरवाल इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक स्विफ्ट कार अचानक ही डिवाइडर से टकरा गई और जिसके बाद से वहां पर इलाके में पुलिस और साथ ही साथ ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों ने हालात को संभालने का पूरा प्रयास किया। इलाके पर अगर बात की जाए तो पुलिस मौजूद थी और उनकी तरफ से सबसे पहले ड्राइवर को अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बाद जो है वहां पर गाड़ी को भी टो करवाया गया और साथ ही साथ जो है पूरी ट्रैफिक सुविधा को सुचारू रूप से चलने की भी अनुमति दी गई।